सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक इंतहाई अहम टॉपिक इस वजह से है कि हम सब जानते हैं कि बीइंग द ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की बुनियाद क्या हो सकती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ अगेन मेनली हाईलाइटेड बाय लिपसेट, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि जो पॉलिटिक्स है इसका कुछ बेसिक ग्राउंड्स होते हैं और उन वो ग्राउंड्स जो हैं वो सोशल रियलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जब तक सोशल रियलिटीज़ नहीं होंगी और अपना रोल प्ले नहीं करेंगी तो पॉलिटिकल बिहेवियर डिटरमंड नहीं होगा, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन या जो हमारी पॉलिटिकल लॉयलिटीज़ हैं वो डिज़ाइन होती हैं उन सोशल रियलिटीज़ की बेस पर जो ज़ाहिर है हर माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और हर ह्यूमन बीइंग उन रियलिटीज़ का पार्ट होता है। सो टू मेन पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट बेसिकली लिपसेट एंड रोकेन, दे एक्चुअली रीडिफाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हेन स्पेसिफिकली दे रोट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट वॉज एट द हाइट दैट इट इज़ एक्चुअली द फंक्शनलिज्म, कैसे सिस्टम रन कैसे होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस टाइम पर जो लिपसेट की तहरीर आई दैट द सोशल बेसिस आर अगेन रेलिवेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़। सो अगर हम ये देखें कि एक बहुत बड़ा नाम है टेलकोट पार्सन का एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ पोलिटिकल सोशियोलॉजी, सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्सन्स थेरी विच असाइंड द पोलिटिकल पार्टीज द फंक्शन ऑफ सोशल इन कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेबलाइजिंग द सोशल सिस्टम्स, बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पार्सन ने जो रोल असाइन किए थे पोलिटिकल पार्टीज़ को और उसके साथ साथ दैट हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप दे एक्चुअली स्टेबलाइज द सोशल सिस्टम, कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर परफॉर्म करेंगे, लीडरशिप प्रॉपर अपना रोल प्ले करेगी तो डेफिनेटली उस सब के अंडर इन्फ्लुएंस क्या होगा, सोशल सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज होगा। सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट लिपसेट एक्चुअली फॉर्मुलेटेड द क्राइटेरिया दैट हाउ एंड वाई द यूरोपियन कंट्रीज दे आर एक्सपीरियंसिंग देयर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एंड वट आर द मेजर फीचर्स एंड वट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पार्टीज दैट वाई देयर पार्टी पोलिटिकल पार्टीज आर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ मच मेच्योर पोलिटिकल सिस्टम, वेदर दे हैव फर्स्टली ट्राई टू इस्टेब्लिश द सोशल स्टेबिलिटी देन दे एक्चुअली क्रिएटेड द स्टेबल पोलिटिकल कल्चर। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग वे की डिबेट थी जिसमें लिपसेट ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, बिकॉज इन द 1960s इनफैक्ट दोज सिस्टम स्टिल डिस्प्लेड फीचर्स सिमिलर टू दोज दैट हैड बीन इंस्टीट्यूशनलाइज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि उस वक्त यूरोप के अंदर भी 60s में भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो भी उस प्रोसेस से गुजर रहे थे कि किस तरीके से किस फैक्टर पर पहले फोकस किया जाएगा और पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो है उसको लाने के लिए कहाँ से काम का आगाज़ किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है वो ऐसा नहीं है कि हर यूरोपियन कंट्री के अंदर एक लेवल पर था, बल्कि वो प्रोसीजर वाइज जो थे सिस्टम्स के अंदर अपनी अपनी लेवल जो था उस पर अभी सिस्टम की मेच्योरिटी डिटरमिंड हो रही थी, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल के ऊपर भी डिबेट जो है वो चल रही थी। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात जो है उसके बाद दो तरह की स्ट्रक्चरल डिवीजन्स जो हैं वो यूरोप ने एक्सपीरियंस की बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बहुत सारी दुनिया के अंदर जो हैं वो ये फोकस हुआ कि वो मुल्क जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं उनकी इकोनॉमी
और उसके पैरल वो मुल्क जो इंडस्ट्री पे जिनका फोकस है, और देर आर सम कंट्रीज़ दोज आर एक्सपीरियंसिंग एंड दोज आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बोथ द फैक्टर्स. तो क्या एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या वो मुल्क जो इंडस्ट्रियली खुद को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या इन इन फैक्टर्स का भी कोई ताल्लुक है जो सोशल लाइफ का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? यानी जो स्पेसिफिकली द कंट्रीज दोज हैव द ट्रेडिशनल सेटअप्स, दे आर हैविंग द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन देयर सोसाइटी, देन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दे विल डू टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द मेच्योर डेमोक्रेटिक पोलिटिकल कल्चर. तो लिप्सेट ने इन सारी जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ थी एंड स्पेसिफिकली द ग्रोथ टूवर्ड्स द न्यू एक्टिविटीज़, वट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस दे विल हैव एंड विल हाउ दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ दे विल रिएक्ट टूवर्ड्स ऑल दीज डेवलपमेंट. फिर एक और इंटरेस्टिंग जो लिप्सेट के यहाँ डिबेट हमें मिलती है वो ये थी कि बिटवीन कैपिटल एंड लेबर दैट देर आर ग्रुप्स दोज आर एंजॉइंग विद द कैपिटल, दोज आर हैविंग द रिसोर्सेज, वो डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, डोमिनेटिंग ग्रुप्स हैं, और इन डोमिनेटिंग ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंस है इन द इंडस्ट्रियल सर्कल्स, इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे उन वर्किंग क्लासेस को जो कि उनके लोअर हैं, जिनका स्टेटस उनको कंपीट नहीं कर पा रहा. यानी जो लेबर क्लास है उनका जो पॉलिटिकल रोल होगा वो कैसे डिटरमाइंड होगा, और क्या उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी टू परफॉर्म देयर पॉलिटिकल रोल. सो इन यूरोप ओनली द पार्टीज दैट वर एबल टू सर्वाइव, दैट इज़ रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स इलेक्टोरली एंड इंस्टीट्यूशनली. यहाँ लिप्सेट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया कि अगर यूरोप की भी केस स्टडी को देखा जाए तो इन सारी चेंजेस के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसके साथ साथ फिर उसके बाद कैपिटल एंड लेबर क्लास की कंट्रोवर्सी के बाद भी, वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो ग्रुप्स जिन्होंने खुद को रिप्रोड्यूस किया, किस तरीके से कि उन्होंने खुद को पार्ट बनाया मॉडर्न मेथड ऑफ इलेक्शंस का, और उसके साथ साथ उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया इनटू द इंस्टीट्यूशंस. यानी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को एक ऐसे अदारे की शक्ल दे दी जहां लोग हिस्सा लेंगे, लोगों की तरबियत होगी, लोग पार्ट बनेंगे, वो किसी भी ग्रुप से हों, वो किसी भी क्लास से हों, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बल्कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, और यही सोशल बेस प्रोवाइड करेंगी टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स. तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लिप्सेट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरेक्शन अमंग दीज पार्टीज गेव राइज टू द मॉडर्न पार्टी सिस्टम्स विच इन इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली दिस सिचुएशन हैज़ इफेक्टेड ऑल द अदर स्टेट्स ऑल्सो.